कहने को तो बिहार में शराबबंदी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत। तस्वीर रोंगटे खड़े कर देगी। बिहार में शराबबंदी का आलम ऐसा है कि बक्सर जिले में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक पुष्टि नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा कि आखिर मौत कैसे हुई, लेकिन वहां के परिजनों का और वहां के लोगों का ये कहना है कि शराब पिए थे और पीने के बाद मौत हो गई। जहरीला शराब के चलते जहरीला शराब से मौत हो गया। भाई रहला हनी, भाई रहला हमर छोट भाई, का नाम हटू है, मिंकू, मिंकू से तरार लेकर रहला हनी। बक्सर में जिस तरीके से जहरीली शराब के बाद मौत का तांडव मच गया है, वहीं दूसरी तरफ अब बक्सर के एएसपी के नेतृत्व में छापेमारी लगातार जारी है। कई गाड़ियों का काफिला और कई जवान जो हैं वो अब कुंज कर चुके हैं और लगातार छापेमारी जारी है। बक्सर की एक्सक्लूसिव खबर ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ आशा एक भारत पे आप देख सकते हैं किस तरीके से छापेमारी चल रही है। एक्सक्लूसिव आशा एक भारत ग्राउंड रिपोर्टिंग देखे, जिस तरीके से बक्सर जिले में शराब से कई लोगों की मौत हुई है। अभी तक पुष्टि नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा कि शराब से ही मौत हुई है, लेकिन परिजनों के कहने के अनुसार शराब पीने के बाद कई लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक की जा चुकी है। और कई बीएमपी के लोग आते हैं, पूरे तमाम अगल बगल सारे गांव के लोग आते हैं। यहां से 1.5 किलोमीटर हटकर एक नोनिया डेरा गांव है, वहीं शराब बिकता है, सारे लोग वहां पीते हैं। वहां से दारू ला करके हम लोग के तलाक पे अगल बगल खड़ा होकर के पीते हैं और प्रशासन कहती है कि तुम लोग बताओ, हम लोग क्यों बताएंगे, अपना जान मरवाएंगे। बीएमपी के लोग भी पीते हैं नोनिया डेरा, क्या कर रही है आप देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे भी तालाब में 3 बार छापेमारी हुआ, हम तो कहेंगे कि पूछा जाए डीएसपी सर के 3 बार छापेमारी के हमारे तालाब पर क्या मिला। हमारा आदमी यहाँ रहना नहीं चाहता है, पुलिस के मारे, पुलिस के गुंडागर्दी के चलते हमारे आदमी नहीं रहना चाहता। कब हमारे तालाब में जहर डाला जाएगा कोई ठीक नहीं है। हम लोग किसी तरह व्यवसाय करके जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पुलिसों के आतंक से हम लोग नहीं रह पाएंगे, इस तालाब पर नहीं रह पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना सिंह है। कौन जो करते हैं आपके सामने दिख रहा है, रात से लाश पड़ी है, वो आए दरवाजे पर घूम के चले गए, रात तक कोई प्रशासन हमारे पास नहीं आया, सुबह आ करके ये लोग फिर यहाँ पर हंगामा करना शुरू कर दिया। आखिर रोके क्यों हमको, किस 9 बजे के बाद आखिर आए किस लिए, किस आधार पर आए? आया था हमारे सबके दरवाजे पर, 3-4 लाशें पड़ी थी गाँव में, सबके दरवाजे पर घूमे हैं वो, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है उसके बाद। सुबह आने का क्या कारण है, और सुबह आने के बाद मेरे पोखरा पर क्यों आया हो? आपको लाश के पास जाना चाहिए था।
आप हमको ये बताइए, क्या बोल रहे हैं कि शराब पिया हुआ था, शराब के कारण मरा है, क्या हुआ है, ये आपको कौन बताया? आप पोस्टमार्टम ना कराया, ना आपका मेडिकल देखा कोई, हम हॉस्पिटल से लाए, आप पूछे हैं क्या इसका कागज कैसे हुआ, क्या मृत्यु कैसे हुई है किसी से? डायरेक्ट आप बोले कि लाश रोकी है अभी, इसका कारण क्या है? शराब कहीं ना कहीं तो मिलता है यहाँ पे, शराब तो बहुत जगह बहुत बार मिला है, अब इनको उनको पता है कहाँ कहाँ मिला है। अब हमारे पोखरा पर 4-5 बार वो आए हैं यहाँ पर छापेमारी करने के लिए, बराबर हो चुकी है यहाँ पर, जब भी कुछ घटना होता है चाहे कुछ भी होता है पहले यहाँ आते हैं, यहाँ पर ये चल रहा है, अड्डा चल रहा है, ये बदनाम किया जा रहा है। अभी आज सुबह हमारी लाश जब आई, रात में लाश पड़ी थी, सुबह यहाँ लाश आई, तो हम देख रहे हैं प्रशासन यहाँ पर आकर के छापेमारी कर रही है, हमारे दरवाजा पर चढ़ना चाहिए कि आपको यहाँ पर, अभी आप हमको हमदर्दी दिखा रहे हैं। कृष्णमोहन सिंह नाम है जी, मेरे भाई है वो जितेंद्र सिंह उर्फ मिंकू सिंह। क्या मामला? जहरीली शराब से मौत की बातें आ रही हैं यहाँ पे, अंधारी है, क्या घटना है? हाँ, हम सारे गांव में अभी 5 कुल 6 व्यक्तियों की अभी मृत्यु हुई है, और इस पे अभी हम लोग, एक व्यक्ति अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इलाजरत है, और पोस्टमार्टम के बाद ही हम लोग इसमें कुछ कहने में सक्षम होंगे। सर, यहाँ के जो ग्रामीण लोग कर रहे हैं, लगातार इस इलाके में शराब बेची जा रही है, सूचना के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, तो वैसे थानेदारों पर क्या कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग का अपना पूरा रिकॉर्ड है, हम लोगों ने कंटिन्यूस निरंतर हम लोगों ने छापेमारी की है, और हम लोगों का इसमें फलाफल भी रहा है। आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे हम लोग कंटिन्यूस शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए कंटिन्यूस छापेमारी करते रहेंगे और गिरफ्तारी करते रहेंगे। कहाँ से इन लोगों ने शराब पिया था, क्या कुछ भी जानकारी मिली है? ऐसा कहाँ से लाया था इन्होंने, अभी जानकारी तो नहीं प्राप्त हुई है। जिस जगह पे इन्होंने शराब पिया है उस जगह को हम लोगों ने चिन्हित किया है, वहाँ से कुछ चीज़ें की बरामदगी भी हुई है जो कि पुष्टि करती है कि लोग वहाँ पर शराब पिए। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।